एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि वेरियस राइट्स ऑफ बेलर क्या होते हैं, सिमिलरली आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेली के भी कुछ राइट्स हैं जिसको वो कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है और इन राइट्स की स्पेसिफिक डिमांड कर सकता है अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी गलत होता है तो। तो एज अ बेलर अगर हमने राइट्स और ड्यूटीज डिस्कस करी हैं, सेम वे हमें बेली की साइड से भी पता होने चाहिए व्हाट आर हिज राइट्स दैट आर मेंशन अंडर दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। वेरी फर्स्ट वी हैव इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर विदाउट टाइटल। ओके, कि अगर कोई भी टाइटल मेंशन नहीं है गुड्स का तो बेली की ड्यूटी बनती है कि उसको उसी सामान उसी पर्सन को सौंपे जिससे उसने एक्चुअली में वो प्रोडक्ट या गुड लिया था, जैसे कि मेंशन्ड एज पर सेक्शन 166। ध्यान से सुनिएगा, हमें ये क्या कहता है दैट एज गिवन इन सेक्शन 166, इफ बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स बेल्ड, मीन्स अगर उसके पास ऐसा कोई भी यू कैन से एविडेंस नहीं है जिससे कि वो ये शो करे कि ही हैज़ अ टाइटल या उसकी एक्चुअली में ओनरशिप उसी की है उस प्रोडक्ट पे। सपोज ये कार है और उसके पास इस कार की आरसी नहीं है, है ना, तो देन बेली की इस केस में क्या राइट बनता है कि अगर उसके सामने दो पर्सन आ जाते हैं ए एंड बी एंड क्लेमिंग द सेम थिंग कि ये कार मेरी है और एक्चुअली में जो बेली है उसने वो कार ली थी ए से, तो उसका राइट बनता है कि उस कार को एक्चुअली ए को ही दे। So he can deliver them back to the bailer according to his directions, if any. अगर A ने कोई direction दी हो वो वैसा तो करना ही है, अगर कोई direction नहीं है Bailey will not be responsible for such delivery. Okay, तो as according to the direction either he can dispose of that good और अगर directions नहीं है he must return back to the बेलर। ये उसकी क्या बनती है ड्यूटी भी कह सकते हैं, राइट भी है, क्योंकि अगर कल आकर बेलर उसको कहे कि तुमने ये गलत किया, नो He has actually done everything the right way. कैसे? या तो उसको गुड उसी को ही देना था या उसके directions के according देना था. Okay? Next we have, next right, can apply to a court to stop the delivery. This is also very good thing कि ये बेली की, बेली कौन होता है? जिसको actually सामान दिया गया है for some purpose या किसी time period के लिए उसके पास किसी और का सामान है, तो उसकी एक और राइट उसके पास है कि वो कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकता है अगर उसको डिलीवरी को कहीं भी स्टॉप करना है। कैसे? इसको इसकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167, सेक्शन 167 कहता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें कि अ थर्ड पर्सन क्लेम्स द गुड्स बेल्ड टू द बेली, जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया कार का अबव, तो अगर ए से अगर गुड्स बी ने लिए हैं तो अगर सी आ जाता है बी के पास कि ये मेरा एक्चुअली ये गुड मेरे हैं या रियल ओनर इनका मैं हूँ तो ये सामान तू मुझे ही दे ए को मत दे, तो भैया ऐसी सिचुएशन में तो बी फंस गया, किसको दे किसको ना दे, ना तो वो ए को दे सकता है ना सी को दे सकता है। तो बेली के पास एक राइट यहाँ ये भी है दैट बेली कैन स्टॉप द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स, वो ऐसे गुड्स की डिलीवरी को वहीं पर रोक सकता है टू द बेलर बाय अप्लाइंग टू द कोर्ट, कोर्ट के जिम्मे छोड़ देता है, भैया इस चीज़ को आप सुलझाओ, कोर्ट को कहता है सर प्लीज़ गिव मी द राइट वे या राइट डायरेक्शन, मैं इस गुड को किसको दूं बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड हु इज़ एक्चुअली द ओनर एंड डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, और मेरे को एक एग्जैक्ट टाइटल बता कर दें कि इस पर्टिकुलर गुड का ओनर कौन है। तो ये तो बहुत सही चीज़ है, इसमें ना उसके ऊपर कोई बर्डन आया और एक्चुअली में कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया इसका रियल ओनर कौन रहेगा। द नेक्स्ट राइट ऑफ द बेली इज राइट अगेंस्ट ट्रेसपास। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट जो कि बेली एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 में क्या मेंशन है, सेक्शंस को ध्यान में रखिएगा, अगर बेली इज डिप्राइव्ड ऑफ द यूज ऑफ द गुड्स, यूज ऑफ द गुड्स मीन्स कि अगर सपोज कीजिए बेली, आप ये मान के ले लीजिए कि ए से कार बी लेकर आया है, बी यहाँ पर है बेली, ठीक है, वो कार मांग के लाया किसकी, ए की, तो अगर किसी भी रीजन की वजह से जैसे थर्ड पार्टी उसको वो कार यूज नहीं करने दे रही है,
ओके स्टॉप कर रही है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था जब रोंग डूअर या किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक्चुअली में बेली वो सामान यूज़ नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीज़न. तो अगर वो उस सामान को यूज़ नहीं कर पा रहा है बाय एनी थर्ड पार्टी, तो बेली के पास यहाँ एक राइट है टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी. उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेके आ सकता है, कोर्ट में कह सकता है कि जस्ट टू मेक स्टॉप हिम, उसको डेटर कीजिए कि वो मेरे को इंटरफेयर ना करे, ये गुड मेरा है एक्चुअली में. ये तो बात ए और बी की है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, थर्ड पार्टी क्यों बीच में आ रही है, वाई दे आर इंटरफेयरिंग बिटवीन देम. इट इज़ द बेली राइट कि वो उस गुड्स को यूज़ करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ए से परमिशन ले ली है, ही इज़ नॉट बाउंड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सी. सो ये भी एक्शन वो अगेंस्ट द थर्ड पार्टी ले सकता है. नेक्स्ट राइट इज बेलीज लेन. बेलीज लेन का क्या मतलब होता है ये बहुत अच्छे से समझिएगा. वेन बेली इज नॉट पेड चार्जेस, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बेली को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ जाता है. ओके सपोज कीजिए कि एक पर्सन, हम वही लास्ट एग्जांपल्स जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को समझते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ए है, ए कहीं बाहर जा रहा है, ए ने इस वजह से क्या किया कि अपना पेट डॉग बी के पास छोड़ गया. ओके डॉग को बी के पास छोड़ गया टू टेक केयर ऑफ हिम. अब क्या होता है, बी उसकी रीजनेबल केयर कर रहा है, खाना पीना दे रहा है एंड एवरीथिंग, बट क्या होता है कि डॉग जो है बीमार हो जाता है. नाउ ही इज इल, तो अब उसको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है और मेडिकल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं. तो ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, यू कैन से देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ चार्ज. और ये चार्जेस जो है बी की ड्यूटी भी बनती है, राइट भी बनता है कि वो ए से क्लेम कर सकता है कि भैया ये एक्स्ट्रा चार्ज है ये मुझे पे करो. तो अगर अब ए का यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है कि वो इंडेमनीफाई करे बी को, बी को वो सारा खर्चा दे जो एक्चुअली में उसको नहीं यूज पे करना चाहिए था बट उसने पे किया ए के लिए. तो अब ए की तो ड्यूटी बनती है कि एक वीक में आने के बाद उससे पूछे भाई तुमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया तो मैं वो दे देता हूँ. सो ही हैज़ द राइट, सॉरी व्हेन बेली इज नॉट पेड चार्जेस, अगर उसको वो खर्चा बेलर से नहीं मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स बेल्ड, ही हैज़ द राइट टू रिटेन दोज गुड्स. वो उन गुड्स को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि नेक्स्ट पार्टी उसके चार्जेस को फुलफिल नहीं कर रही है. राइट वो उसके चार्जेस को फुलफिल नहीं कर रही है तब तक वो उन गुड्स को अपने पास रखा रहेगा. अब ये कह रहे हैं मेरा डॉग मुझे वापस कर, बट नो बी विल कीप दैट विद हिम ओनली. क्यों? जब तक कि ए उसके सारे चार्जेस उसको पे नहीं करेगा. तो यही यहाँ पर यही बात लिखी गई है दैट ही हैज द राइट टू रिटेन दोज गुड्स विद हिम. दिस और ये एक्चुअली में हर प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, कोई बुक हो सकती है या कोई फर्नीचर है, फर्नीचर में कुछ ऐसा हुआ कि उसको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ गए उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो वो उस फर्नीचर को अपने पास तब तक रखा रहेगा अगर जब तक कि एक्चुअल ओनर पूरे के पूरे चार्जेस पूरी की पूरी फीस उसको देता नहीं है. और इस राइट को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर लेन. ओके पर्टिकुलर लेन, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. So with this my dear students we completed this session also and bailment से related हमारे सारे topics discuss हो चुके हैं, rights, duties of both the parties, features, what are the important kinds of bailment we have, you can say types, definition, examples के साथ हमने बहुत अच्छे से इस पूरे topic को discuss किया है. and still अगर कोई भी ऐसा topic है जो कि मैं cover नहीं कर पाई तो आप मुझे comment section में लिख कर दीजिएगा और you can mail us on this mail address and we will cover that also. you can send me your queries regarding any notes जो आपको चाहिए किसी भी judiciary exam के लिए, वो भी available है. and this is our telegram channel, you can follow us. Till then, keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe. Thank you.